देखो यहाँ पे हमने अपने पास क्वेश्चन क्या है, टू इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई एंड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास देखो कहीं भी टू इक्वेशंस गिवन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो हम इन दोनों में चेक करते हैं हमेशा, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो देखो यदि ये तीनों इक्वल है तो लाइन से वो को इंसिडेंट होती है, यानी कि इन्फिनिट इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, यदि ए वन अपॉन, यहाँ पे हम डायरेक्ट ले लेते हैं, यदि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हुआ और ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू हुआ, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी। ठीक है, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और यदि तीनों ही नॉट नॉट इक्वल टू जीरो हुए, ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, यानी कि वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो हम इसमें चेक करेंगे, तो देखो क्या जाएगा, ए वन अपॉन ए टू यानी कि वन अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू टू अपॉन माइनस सिक्स इज इक्वल टू फाइव अपॉन वन। तो देखो क्या जाएगा, वन अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन, यहाँ से टू ये थ्री टाइम, तो वन अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव अपॉन वन। तो देखो ये इक्वल है लेकिन ये इसको इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस होगी, तो नो सॉल्यूशन, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये पैरेलल लाइन कुछ ऐसी होती है जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो नो सॉल्यूशन आएगा इसका, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, इजी।